पठानकोट के बाईपास रोड पर एक निजी पैलेस में हुई सभा में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई ही, इसके साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को देखते हुए लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। अरुण जेटली संगठन मंत्री रामलाल के साथ सभा में आए, जहां उनका स्वर्ण सलारिया जिला अध्यक्ष अनिल रामपाल और भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये दिल्ली में तो फेल हो गई है और मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूँ कि इस पार्टी को पंजाब में ना घुसने दें। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धि बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 5-6 स्टेट के बीच ही बची है। पंजाब के साथ यूथ विंग युवा मोर्चा के अध्यक्षों के संग प्रदेश के महामंत्री बने, स्टेट के प्रेसिडेंट बने, पिछली बार अच्छी मात्रा इसलिए उन्होंने जिता के एमएलए बनाया और अपना पूरा जीवन केवल एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, लेकिन पार्टी ने एक बैलेंस्ड और डिसिप्लिन वर्कर और लीडर के रूप में जन्म लिया। कई बार सुनी कि पद मिले, कई बार नहीं मिले, लेकिन पार्टी की निष्ठा और लीडर करना पार्टी रखते कभी डर पाए। अश्विनी जी उन्हें थोड़े सामने बोल रहे सब के प्रधानमंत्री रास्ते रहने की मेहनत की थी और प्रधानमंत्री में उन्होंने भी जा रहे सन। चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि सानू प्रधानमंत्री रास्ते का मौका मिल जाता है और आज को भी अपने रास्ते को रुकोदा भी मौका मिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के बीच पंजाब की सारी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है और पूरे देश की राजनीति सियासत एक प्रवण कर रही है। बदल आज देश के बीच 14 सूबे ऐसे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी की अपनी आसानी सरकार अभिषेक शर्मा, दिव्य पंजाब टीवी, पठानकोट।